Uh, अभी हमने uh, कल इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो उसी को एक्सप्लेन में मतलब आई विल ट्राई दैट कि आप सबको समझ आ जाए तो आप सुनना ध्यान से तो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है सबसे पहले मैं सिर्फ बता देती हूँ कि ये है क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं सबसे पहले आता है आपका रेडिएशन सोर्स जिससे आपकी रेडिएशन आएगी यूवी विजुअल रेडिएशन जो अमिट करेगा उसके लिए यहाँ पे रेडिएशन सोर्स लगा हुआ है ठीक है मैं अभी ऊपर आउटलाइन बता रही हूँ अभी एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप आता है कंपोनेंट आता है वो आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है या फिर जिसको आप रेडिएशन सोर्स भी बोल सकते हो सेकेंड आपका मोनोक्रोमेटर आता है मोनोक्रमेटर में मोनोक्रमेटर तीन चीजों से मिलके बना होता है सबसे पहले आपको जो एंट्रेंस स्लिट दिख रही है जो कि आपके मोनोक्रमेटर मोनोक्रमेटिक लाइट को या सॉरी पोलिक्रमेटिक लाइट को जाने दे रही है ये जो ऊपर दो डंडे लगे हैं इसको हम सबसे पहले एंट्रेंस स्लिट बोलते हैं उसके बाद जो आपको मिरर दिख रहा है जो ये लेंस दिख रहा है ये सिंपल लेंस है उसके बाद जो आपको ये ग्रेटिंग ग्रेटिंग चीजें दिख रही है ग्रेटिंग एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि एडवांस्ड में प्रिज्म की तरह ही यूज किया जाता है अगर आप ग्रेटिंग की जगह प्रिज्म भी यूज करते हो तो वो भी चलेगा और उसके बाद आपका ऊपर जब आपका विव्योर निकल रहा है उसके लिए भी ऊपर स्लिट लगी हुई है उसको हम एग्जिट स्लिट बोलते हैं तो मोनोक्रोमेटर तीन चीजों से मिलकर बना होता है सबसे पहले होता है एंट्रेंस स्लिट फिर आता है आपका लेंस फिर उसके बाद आपका प्रिजम या फिर ग्रेटिंग मेम्ब्रेन आता है और फोर्थ सॉरी चार चीजों से मिलकर बना और फोर्थ आता है आपका एग्जिट स्लिट तो इन चारों चीजों को हम कंबाइंड में मोनोक्रोमेटर कहते हैं फिर उसके बाद आपका चॉपर आता है फिर आपका मिरर आता है और उसके बाद आपका रेफरेंस और सैंपल कंटेनिंग इसको हम क्यूविट भी बोलते हैं क्यूविट क्या होता है मतलब वो एक क्यूबिट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके अंदर आपने रेफरेंस और सैंपल का जो सोल्यूशन है उसको होल्ड करके रखा हुआ है तो इसको सैंपल होल्डर भी बोलते हैं उसके बाद हमारे पास दो डिटेक्टर आते हैं और और उसके बाद आपका एम्पलीफायर आता, आता है और लास्ट में आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस आता है इन सब चीजों से मिलकर आपका पूरा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपे इंस्ट्रूमेंटेशन बनता है अभी इसको हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ लाइट तो सोर्स ऑफ लाइट के लिए हम यहाँ पे मेनली टू तरह के लैंप्स को यूज करते हैं उन दोनों लैंप का कम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं पहले होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप और दूसरा होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप अभी दो लैंप इसलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है मतलब दो रेडिएशन यहाँ पे आ रही है एक यूवी वाली होगी और एक आपकी विजुअल रेंज की होगी तो जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप होता है वो आपका यूवी रीजन की सारी वेवलेंथ को क्या करता है कवर करता है मगर यूवी रेडिएशन अगर आपने यूवी रेडिएशन वाली वेवलेंथ देनी है तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप का यूज करोगे दूसरा आपका विजुअल रीजन आता है तो उसके लिए आप टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हो यहाँ पे दोनों यूज कर रहे हो तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं अब ये भी बता देती हूँ कि यूवी रीजन के अंदर क्या रेंज आती है 200 से लेके 375 नैनोमीटर की जितनी भी रेज आएंगी इस वेवलेंथ की वो सारी आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप उसको क्या करेगा इमिट करेगा क्योंकि वो इसका रेडिएशन सोर्स है सेकेंड आपका डगस्टर्न फिलामेंट लैंप है तो उसके अंदर जो वेवलेंथ वाली रेज आएंगी वो थ्री से फाइव एट हंड्रेड की आती हैं। तो इन दोनों लैंप का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फिर आपका मोनोक्रोमेटर आता है तो ये चार चीजों से मिलके बना हुआ है सबसे पहले आपकी एंट्रेस लिड है अभी सबसे पहले क्या होगा जैसे आपकी रेडिएशन सोर्स से लाइट आई तो उसने सबसे पहले आपकी एंट्रेंस स्लिट से जाना है अब इस स्लिट का, का मेन काम क्या होता है क्योंकि जो इंसिडेंट ले आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है तो उसको स्मॉल फ्रैक्शन में करने के लिए मतलब की सिर्फ उस मतलब अगर ब्रॉड uh, रेंज में या ब्रॉड मतलब बहुत सारी बीम्स आ रही है तो उसको स्मॉल फ्रैक्शन में कम करना मतलब थोड़ी सी बीम्स को एंटर होने देना उसका काम स्लिट होता है तो स्लिट करता है स्लिट uh, परमिट करता है पैसेज ऑफ ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये स्लिट का काम होता है तो सबसे पहले एंट्रेंस लीड है उसने स्मॉल फ्रैक्शन में इंसिडेंट रे को आगे पास कर करने देना है उसके बाद आपका आता है मिरर अभी मिरर का, का काम क्या है उसमें जो भी इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है उसको फोकस करना है और उसको फोकस कर कर आपके प्रिज्म या फिर ग्रेटिंग जो ये पोर्शन लगा हुआ उसके ऊपर यहां पे मिरर नहीं है लेंस सॉरी कॉन्वेक्स सॉरी लेंस मेन मेन काम कर, काम ये कि उसने फोकस करना है रेडिएशन को किसके ऊपर ग्रेटिंग के उपर, यहां के ऊपर ऊपर प्रिज्म अभी ग्रेटिंग और प्रिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है बस इसका थोड़ा अ, मतलब एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हो आप प्रिज्म का ही वही ग्रेटिंग है ग्रेटिंग क्या करता है आपकी जो भी रेडिएशन आ रही है उसको विव्योर में विव्योर में कन्वर्ट करता है सेवन पार्ट्स में कन्वर्ट करता है ठीक है ये चीज होती है अभी मैं इसमें थोड़ा सा आ, 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 ग्रेटिंग के बारे में बता देती हूँ कि ग्रेटिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल ग्रूव लगे होते हैं और हर एक ग्रूव यहाँ पे एज अ प्रिज्म की तरह काम करता है अगर आप पूरे ग्रेटिंग सरफेस को देखते हो और उसमें आ, आप कंसीडर करते हो वन वन एम एम की स्पेस तो आपकी वन एम एम की स्पेस में कम से कम बारह सौ से चौदह सौ आते हैं और हर एक ग्रुप अपना इंडिविजुअली प्रिज्म की तरह वर्क करता है ठीक है ये आपका मैंने एंट्रेस पढ़ा दी उसके बाद मैंने आपको प्रिजम पढ़ाया गेटिंग पढ़ा दिया तो ये और उसके बाद फिर जो विग्योर या फिर सेवन पार्ट्स में जो आपकी रेडिएशन है वो स्प्लिट हो रही है वो आपकी जाती है एग्जिट स्लिट के ऊपर ठीक है एग्जिट स्लिट क्या करता है आपको ऑप्टिमल वेवलेंथ को डिसाइड करने का काम करता क्योंकि है क्योंकि बहुत सारी रेडिएशन है सेवन पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है उन सेवन पार्ट्स में से ऑप्टिमल वेवलेंथ को डिसाइड करना और उसी को आगे पास होने देना ये काम आपका लास्ट का एग्जिट स्लिट करता है ठीक है यहाँ तक समझ आ गया ये सब चीजें मिलकर मोनोक्रोमेटर बनाती है फिर आपका आता है चॉपर चॉपर का काम क्या है जो भी रेडिएशन को आपके एग्जिट स्लिट ने आगे पास किया है उसको दो इक्वल हाफ्स में या दो इक्वल पार्ट में उसको क्या करना कन्वर्ट करना तो चॉपर विल कन्वर्ट द रेडिएशन इनटू टू इक्वल हाफ्स इसका ये ही काम है बस अभी जो रेडिएशन को इसने टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है उसको आगे मिरर रिफ्लेक्ट करती है उसको मिरर क्या करती है उन दो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर आपके दो जो दो आगे रेफरेंस uh, और जो सैंपल क्यूबिट लगा हुआ है उसके उसके ऊपर डालेगी मतलब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी ये आपके मिरर का काम होता है सिर्फ रिफ्लेक्शन करना फिर आपके यहाँ पे दो तरह से आपको क्यूबिट दिखते हैं एक रेफरेंस होता है और एक सैंपल क्यूबिट को हम सिंपल बोल सकते हैं जो कि आपके रेफरेंस और सैंपल को होल्ड करके रख रहा है ठीक है अभी क्यूबिट एक तरह का मटेरियल है जो कि क्वार से बना होता है क्वार्स का आपके बारे में पता होगा ये एक मटेरियल होता है उसको क्वार्स बोलते हैं क्वार्स को हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो क्वार्स मटेरियल है वो यूवी एज वेल एज विजुअल दोनों लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है

हम यहाँ पे जो क्यूबिट यूज करेंगे वो क्वार्ट्स का बना होगा तो ये होता है रेफरेंस और सैंपल के बारे में ठीक है अभी जो रेडिएशन आई है वो क्यूड से गई है और आगे जाके आपके दो डिटेक्टर्स लगे हैं दो डिटेक्टर इसलिए लगे क्योंकि आपके पास दो क्यूड है एक रेफरेंस वाला है और एक सैंपल वाला है तो दोनों के लिए अलग अलग डिटेक्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे दो डिटेक्टर है एक डिटेक्टर वन है और एक डिटेक्टर टू है अभी यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेनली यूज किए जाने वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो डिटेक्टर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले होते हैं वो तीन तरह के मेन होते हैं ऐसे बहुत तरह के मिल जाएंगे मेन जो तीन यूज किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सबसे पहले आता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर जिसको हम पीटीएम डिटेक्टर भी बोलते हैं अभी फोटो मल्टीप्लायर का नाम से आपको पता चलेगा क्योंकि रेडिएशन आ रही हैं रेडिएशन के अंदर आपके क्या हो गए फोटो होंगे उन फोटॉन्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का काम करता है ठीक है और उन्हीं देखो डिटेक्टर का काम ये है कि जो भी रेडिएशन के थ्रू उनको फोटॉन वाली इंफॉर्मेशन मिल रही है उस फोटॉन उस फोटॉन को उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या फिर इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है ये काम होता है हर एक डिटेक्टर का डिटेक्टर क्या करते हैं जो भी आपको आ, आगे से सिग्नल मिला है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स उसको उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है तो फोटो मल्टीपाइम ट्यूब्स क्या करती हैं इसमें क्या होता है इसका पूरा सिस्टम होता है एक एक वैक्यूम ट्यूब होती है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं एक आपका कैथोड होता है और एक आपका एनोड होता है सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आपका कैथोड लगा रहता है जो कि आपकी रेडिएशन को रिसीव करेगा जो अगर फॉर एग्जाम्पल हम सैंपल की बात करते हैं सैंपल क्यूबिट में से रेडिएशन आ रही है उसको सबसे पहले कौन रिसीव करेगा आपका फोटो कैथोड रिसीव करेगा और उसको फटाफट इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है ये हो गया पहले पार्ट का काम अभी उसके के बाद क्या लगा होगा बहुत सारे टर्न्स लगे होंगे जिनको हम डायनोड्स बोलते हैं वो टर्न्स क्या करते हैं कि जितनी भी जितने भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितनी पीछे से एनर्जी आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है फोटोन की जो एनर्जी है फोटोन को हमने इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मल्टीप्लाई करने का काम क्या करता है इसको इसलिए हमने इसको फोटो मल्टीप्ला ट्यूबोली फोटोन को इलेक्ट्रॉन में चेंज किया और फिर उन इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये काम होता है डायनोड्स का फिर यहाँ पे दस डायनोड्स लगे रहते हैं इसी तरह से सारे डायनोड क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन का काम करते जाएंगे और लास्ट में जब आपका दाइ... लास्ट वाला जो डायनोड होगा वो आपके एनोड इलेक्ट्रोड के साथ फिक्स रहेगा और फिर जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होकर आपके लास्ट पार्ट में पहुंचेंगे एनोड वाले पॉइंट में पहुंचेंगे उस एनोड को हम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और वही जो आपका लास्ट में एनोड होगा वो आपकी पूरी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके रखेगा तो ये काम होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर का इसका मेन काम यही है कि फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को सबको मल्टीप्लाई कर एक सिग्नल मतलब एक यूनिक या फिर एक इंडिविजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करना अभी एक एक चीज बता देती हूँ कि ईच फोटोन कंटेन वन हंड्रेड सिक्स टू वन हंड्रेड सेवन इलेक्ट्रॉन हर एक फोटोन किससे बना होता है वन हंड्रेड सिक्स से वन हंड्रेड सेवन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन से मतलब हर एक फोटोन आपको इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स देगा और बहुत ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो उन सब को मल्टीप्लाई कर कर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं अभी इस तरह का जो डिटेक्टर होता है इसको हम तब यूज करते हैं जब आपकी जो रेडिएशन रिसीव हो रही है वो वीकर है या फिर लो इंटेंसिटी वाली है ठीक है ये हो गया फर्स्ट आपके डिटेक्टर का काम दूसरा आता है फोटो डायोड एरे जिसको आप पीडीए डिटेक्टर भी बोलते हो ठीक है अभी डायोड्स के बारे में आपको पता ही है डायोड्स एक तरह से मतलब इलेक्ट्रोड की तरह ही काम करते हैं यहाँ पे एरे का मतलब होता है जब आपने बहुत सारे डायोड्स को एक थ्री डायमेंशनल पोजीशन में अरेंज करके रखा हुआ है ग्रुप्स ऑफ डायोड को हम यहाँ पे एरे बोल रहे हैं ठीक है ना अभी इसमें क्या होता है <coughs> जो आप फोटो डायोड करोगे वो सिलीकॉन से बने रहते हैं इन फोटो इन सिलेिकॉन को हमने अरेन्ज किया होता है, है बेसमेंट मेम्रेन की तरह वो काम करती है और उनके ऊपर हमने बहुत सारे सिलिकॉन फोटोडायोड्स को रखा होता है वो फोटोडाइड्स के ऊपर जब आपकी रेडिएशन पड़ती है उसने वही काम करना जैसे इलेक्ट्रोड ने काम किया उन फोटोन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देना है। बस यही चीज है के अंदर तो यूज होता ही है इस तरह का डिटेक्टर एज वेल एज ये एचपीएलसी के अंदर भी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिटेक्टर है फोटो डायोड एरर डिटेक्टर सबसे ज्यादा एचपीएलसी के अंदर यूज किया जाता है ये हो गया आपका सेकेंड डिटेक्टर अभी लास्ट में आपका डिटेक्टर आता है वो आता है चार्ज कपल्ड डिवाइस जिसको आप सी सी डी भी बोलते हो अभी ये बिल्कुल आपका सिमिलर है डायोड एरर डिटेक्टर की तरह ही बस इसके अंदर क्या होगा जैसे वहां पे फोटो डायोड्स लगे थे यहाँ पे आपके फोटो कैपेसिटर्स लगे होंगे कैपेसिटर्स लगे होते हैं डिटेक्ट है. करने के लिए एलिमेंट्स लगे होते हैं और हर एक फोटो रिसेप्टर के अंदर थाउजेंड से मिलियन ऑफ फोटो मिलियंस ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट लगे होते हैं ये चीज है इसके अंदर आप फोटो फोटो कैपेसिट कैपेसिटर्स uh, का यूज़ करते हो, डायोड में आप डायोड्स का यूज करते हो और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर आप डायनोड्स का यूज करते हो ये अलग अलग चीजें हैं। बाकी काम यही है कि फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स लेक, में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हर कोई डिटेक्टर ये आपके डिटेक्टर्स हो गए उसके बाद आपका एम्पलीफायर आता है एम्पलीफायर क्या करेगा जो भी आपको इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंफॉर्मेशन जो आपको डिटेक्टर ने दी है उसको वो क्या करता है एम्पलीफाई करता है एम्पलीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपको रिजल्ट मिलता है डिटेक्टर से वो बहुत मतलब बहुत छोटा होता है बहुत छोटा सिग्नल होता है उस सिग्नल को हम क्या करते हैं एम्पलीफाई uh, करते हैं और और क्लियर एज वेल एज रिकॉर्डेबल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि बहुत छोटे सिग्नल्स आते हैं उनको आप स्टडी नहीं कर सकते हो, उनको आप अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम के ऊपर नहीं स्टडी कर सकते हो, तो उसको हम क्या करते हैं एम्पलीफाई करते हैं जिससे अच्छी तरह से आपको जो लास्ट में स्पेक्ट्रम होगा वो ऑप्टेन होता है ये एम्पलीफायर का काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको डिटेक्टर ने दी है उसको वो एम्प्लीफाई करे उसको क्लियर करे और लास्ट में आपका रिकॉर्डर अगर रहता है उस रिकॉर्डर ने क्या करना है जो भी ने, उसको करकर हैं। उसको UV, आपको समझा दिया थैंक यू बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा ठीक है शिवानी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया ये अपने आप कोटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी को प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा मीडियम है ठीक है तो इस तरह के अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन आते रहें और आप लोग अच्छे से अच्छे तरक्की करते रहें ठीक है